अब देखिए स्टूडेंट्स लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का बाकी जो क्वेश्चन है आप करके देखना है ना कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं देखिए नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है चैप्टर का प्रोडक्शन अकाउंट अभी जो प्रोडक्शन अकाउंट है ये जनरली uh, जो है वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के साथ जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जाती है तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ जब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनाए जाते हैं तो उसके साथ प्रोडक्शन अकाउंट बना लिया जाता है है ना तो देखिये दत्तम प्रोडक्शन अकाउंट इज़ यूज टू डिनोट ए पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट प्रिपेयर इन कंजक्शन विद द फाइनेंशियल अकाउंट इन ऑर्डर टू शो द एक्चुअल कोस्ट ऑफ़ द प्रोडक्शन प्रोडक्शन के एक्चुअल कोस्ट शो करने के लिए ये बनाया जाता है फॉर द गुड्स ऑफ मैनुफैक्चर ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिव्यू कि जितनी गुड्स मैनुफैक्चर हुई अब ये जो अकाउंट्स हैं डबल एंट्री सिस्टम के जो रूल्स हैं उसको फॉलो करते हैं इसका ऑब्जेक्टिव है जस्ट टू शो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की प्रोडक्शन की कोस्ट को शो करना बट ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए भी बनाए जाते हैं जनरली मंथली भी बनाए जा सकते हैं अब ये जो प्रोडक्शन अकाउंट है इसको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी कहते हैं ये उन इंडस्ट्रीज़ के लिए होते हैं जैसे ब्रिक्स मैन्युफैक्चर जहाँ की जाती है कायल एंड केक मैन्युफैक्चर किया जाता है कायल एंड कॉक पिक गारन यान एंड क्लोथ इस तरह की मैनुफैक्चरिंग जहाँ पर होती है वहाँ पर प्रोडक्शन अकाउंट बनाया जाता है तो फॉर्म वही है उसी तरीके से प्राइम कोर्स निकाली जाएगी वर्क कोर्स निकाली जाएगी या टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाला जाएगा देखिए टी परफॉर्मा बनाया जाता है पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट और सबसे पहले यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर ये दोनों लेकर इन दोनों का टोटल क्या होगा प्राइम कोस्ट फिर वर्क्स ओवर ले लिए जाएंगे है ना वर्क्स ओवर जो भी गिवन होंगे उसमें अगर वर्क इन प्रोग्रेस आपको दिया हुआ है ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस तो ओपनिंग बैलेंस इसमें ऐड होगा क्लोजिंग तो बैलेंस इसमें माइनस होगा और सेल ऑफ स्क्रैप या सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट अगर दिया है तो वो भी माइनस होगा वो करने के बाद आपके पास आएगी वर्क कोस्ट फिर आप इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऐड करेंगे तो ये टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी लेकिन अगर फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक दिया है तो हम क्या करते थे ओपनिंग स्टॉक ऐड किया और क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया तो यहाँ भी आप इस तरीके से कर सकते हैं या यहाँ ओपनिंग स्टॉक दिखाइए और यहाँ क्लोजिंग स्टॉक दिखाइए तो जो बैलेंस बचेगा वो आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैरी डाउन इसको आप यहाँ लेकर आएंगे ब्रॉड डाउन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ब्रॉड डाउन जितनी सेल है वो आप यहाँ दिखाएंगे तो डिफरेंस क्या हो जाएगा या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है तो वो ऐड होंगे और डिफरेंस आपका हो जाएगा प्रॉफिट तो बहुत सिंपल है है ना जैसे आप शीट बनाते हैं वही सेम पैटर्न है बस टी परफॉर्मा है ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसको आप देख लेना करके कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं